सकती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती, मोरा मोरा का है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया, वह यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफन के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसी बोली पर हंसते के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांकर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुद की तरह चुभलाता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुके चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुरता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुरता। अम्मी, क्या मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी, यह लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? शुभद्रा देवी के ने सवाल किया। लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी, कि हम इफन से सीखा है, उसका पूरा नाम क्या है? कि हम ना जानते, ते कौनो मिया के लड़का से दोस्ती कर ली है बाय कारे। राम दुलारी की आत्मा गन गना गई। कहूँ तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो। शुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर मृदु नारायण नीले तेल वाले की यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जयबे ओकरा घरे, हाँ अरे तोहरा हा मैं लुकारा आगे माटी मिलाओ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम के
कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने चौकीदार लगाया, कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई, टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखे रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? शुभ्रदा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा तो जाना उसके बस में तो नहीं था। नहीं, वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों गुजराफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफन ने केले जुग्राफिया कहते हैं, खरीदे। ज्योग्राफी, जुग्राफिया कहते हैं ज्योग्राफी को। और ये झूठा है, ये झूठ यानी ये झूठा है, और इसमें थोड़ा लोकल लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो इस बात को ध्यान देते रहें और साथ में पढ़ते रहें। कंटिन्यू। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। अव्यय सा ना हो सकता का भी हम ऐसा लोग ऐसा 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 ना हो सकता था कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहेर घर चली जाए। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोलन थी, यह नहीं हो सकता, इफन ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हम में एक ठो दादियों ना दे सकियो, टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफन ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र न करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी है। मरे कि कैसे नहीं, क्या तेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफन के घर गया तो वहां सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी ने न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफन के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी।
अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे को अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफन को पुरसा दिया। इफन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 1945 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्मा इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। इसलिए टोपी और अकेले हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू छोटा बहुत छोटा था, पिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी की मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू बिल्लू गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। आउट डेट। हेड माली अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब आउट डेट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, तब्बू ने सवाल किया। बलदत्तर नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। ए, बिल्लू ने अंपायर को जवाब दी। ई भृगु नारायण कौन कौन है? एनी ऑफिसर अवर चपरासिस? नहीं साहब, अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर दागदर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुव्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। ए टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो। एक लपट में नीचे लगी हो। ओ, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेज माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन और शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझाती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता प्रिंस को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। देख मत क्या करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दास करने पर वह
बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। था तो उतरन टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतरी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाजा खाए। हम जाजा ओडा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। दादी ने बदतमीजी करते बदतमीजी। हुए करते हाँ हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। हम इतनी पूजा करें, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू दसवा में पहुंच गए बाद, सीता ने कहा, तुहे दादी से तर्राव के तर ना न चाही, किनो ऊ तोहर दादी बाजिन। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात दसवें यानी इतनी दसवीं आसान क्लास नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे दसवीं बड़े पापड़ बेल बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 1919 में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख दिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह थर्ड डिवीजन में पास हो गया। यह थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी अगर सभी ध्यान में बच्चे रखना अच्छे से चाहिए। नहीं पढ़े, अगर इस साल सभी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े तो किसी को तो थर्ड डिवीजन का जो कलंक है वो लग सकता है। इसीलिए इस थर्ड डिवीजन का जो कलंक है इससे बचने के लिए मेहनत की जाए। जी परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, क्या मतलब है जैसे श्याम नींद की दी अवतार। जाती है। बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल तो जेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो
वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी होने हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार्सल पूछ लूंगा। और साल यानी पिछले साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली लौट गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहील ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वही क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले मास्टर शरीफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का गुस्सा है, एडत वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुहे तो उन्हीं सबन के साथ रहे हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए, डॉक्टर मृदु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव ले लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही होना जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए।